स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 17 यूनिट नंबर 3 वर्ड स्टडी। ए देखिए इसका ए पार्ट क्या है, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंशन, फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन द सेम एज दोज इन द टेबल। हमारे पास लिस्ट में देखिए कुछ वर्ड्स मौजूद हैं और टेबल में भी कुछ वर्ड्स हैं। अब हमने फाइंड उन्हें करना है जिनका मीनिंग जो है ये एक जैसा हो, मीन्स द सेम एज दोज इन द टेबल, मीनिंग दोनों का एक जैसा होगा। तो हमने क्या करना है, वर्ड को उसके आगे पुट कर देना है। देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या है, फैंटास्टिक तो इसका क्या है, सुपर्ब। उसके बाद क्या है, ऑफुल तो इसका क्या होगा, ड्रेडफुल। अनलकी, अनलकी का क्या होगा, अनफॉर्चुनेट। केयरिंग, केयरिंग का क्या होगा, काइंड। ठीक है, उसके बाद जेनरस, जेनरस अनसेल्फिश। इसी तरह बाकी जितने वर्ड्स हैं आपने उसके सैनोनिम्स ढूंढ के उसके सामने पुट करने हैं, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वोकैबुलरी, रिंग द ओड वन आउट इन द ईच लिस्ट। अब देखिए हमारे पास ये कुछ कॉलम के अंदर देखिए जरा, हमारे पास कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। हर ग्रुप जो है उसमें एक तरह की चीज़ें हैं, एक ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें एक ग्रुप में लिखी गई हैं, सेकंड ग्रुप में उससे रिलेटेड अगले ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें हमने फाइंड करना है ओड वन हमारे पास क्या है। जैसे देखिए डॉल्फिन, वेल, डंकी, शार्क, ट्यूना, सैल्मन, तो ये सारी जो हैं ये फिश की काइंड्स हैं। तो इसमें देखिए ओड वन कौन सा है, डंकी, तो डंकी को हम क्या करेंगे, हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या है, ग्रास, डोर, फ्लोर, विंडो, सेलिंग और शेफ, तो इसमें हमने क्या करना है, किसको हमने इन सर्कल करना है, ग्रास को। ये जो है हमारे पास क्या है, ये ऑड वन है। नेक्स्ट देखें, सैडल, बाइसाइकिल, सैडल, बाइसिकल, हैंडल बार्स, सॉसपैन, व्हील और टायर, तो इसमें हमने देखिए हमारे पास ऑड वन कौन सा है, सॉसपैन, तो हमने सॉसपैन को इन सर्कल कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है बाकी जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं आपने क्या करना है, उनमें से देखना है ओड वन कौन सा है, तो उसको अनसर्कल करते जाना है। जैसे यहाँ पर टेल है, यहाँ पर चॉकलेट है, यहाँ पर माइस है, यहाँ पे वन है। ठीक है, आपने इस पार्ट को ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। सी पार्ट है हमारा वर्ड स्ट्रक्चर, राइट वर्ड्स डेट एंड विद द सेम लेटर्स। हमने क्या करना है, हमारे पास देखिए कुछ उन्होंने लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में है एन टी एन वन एट आर्क, तो हमने क्या करना है कि हमने इसी तरह के वर्ड्स क्रिएट करने हैं जिसके एंड पे एन और टी हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है पैंट की, तो हमने क्या लिखना है, हम इससे क्या वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, आंट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एन है तो एन से प्लान कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, देन कर सकते हैं, फैन कर सकते हैं। वन है तो वन से हम क्लॉन कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, फॉन कर सकते हैं, क्रॉन कर सकते हैं, प्रॉन कर सकते हैं। इसी तरह आपने जैसे ऐट है तो इसके भी ढूंढ के फाइंड करके डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पर फाइव फाइव वर्ड्स लिख रहे हैं। ठीक है, आर्क के भी और ऐड के भी। ठीक है, आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डी पार्ट है स्टोरी लाइंस, यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमने इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। कैसे हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे देखते हैं। Elephants are very dash animals, the large animals. They have dash skin, saggy skins. They have long dash trunks that they can use to drink dash water. In warm weather, they can also spray water from their trunks too. Dash cool. In warm weather, they can also dash spray water from their trunks to cool क्या है themselves. It is difficult to dash and dash weight
an elephant because it is so big. An ordinary wagon scales would be dash to dash would be too small. ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है. इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास ई टीजर टाइम. कैन यू मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड एलिफेंट. आप अब वर्ड एलिफेंट से आपने 10 वर्ड्स और क्रिएट करने हैं. जैसे ई से ईट है, हम एलिफेंट वर्ड को यूज़ करते हुए बनाएंगे ना, जैसे ई है तो ई से हम ईट बना सकते हैं, एल से लैंड बना सकते हैं, पी से पील बना सकते हैं, एच से हैट बना सकते हैं, हीट बना सकते हैं. इस तरह आपने सारे 10 वर्ड्स क्रिएट करने हैं इन अल्फाबेट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है. आपको इस सारे पेज की समझ आ गई होगी. अब आपने बेटे इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको लर्न भी करना है. थैंक यू.